क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ डाइईन, डाइईनों का वर्गीकरण एवं नामकरण। विपरीत श्रृंखला वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को डाइओलिफिन अथवा डाइईन अथवा एल्काडाइन कहते हैं जिनके एक अणु में दो द्विबंध होते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनमें उपस्थित दो द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन तीन समूह में किया गया है। पहला है संचयी डाइईन, दूसरा है संयुग्मी डाइईन और तीसरा है विलगी डाइईन। अब हम बात करेंगे संचयी द्विबंध युक्त एल्काडाइनों की। इनमें दोनों द्विबंध एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, अर्थात एक ही कार्बन परमाणु के दोनों ओर दोनों द्विबंध होते हैं। इस श्रेणी का सरलतम यौगिक प्रोपाडाइईन अथवा एलीन है। इस श्रेणी के यौगिकों को एलीने भी कहा जाता है। ये यौगिक अत्यंत क्रियाशील तथा अस्थायी होते हैं और इस श्रेणी के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं: 1,2-बीटाडाइईन, 3-मेथिल-1,2-ब्यूटाडाइईन, 1,2-पेंटाडाइईन। नेक्स्ट है संयुग्मित द्विबंध युक्त एल्काडाइईन। इन यौगिकों में दोनों द्विबंधों के मध्य एक एकल बंध होता है, अर्थात इनमें एकल बंध विद्विबंध एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। इन यौगिकों का सैद्धांतिक व औद्योगिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। तीसरी है विलगित द्विबंध युक्त एल्काडाइईन। इन यौगिकों के दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। इनके दोनों द्विबंधों के बीच में एक से अधिक कितने भी एकलबंध हो सकते हैं। दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध न होने के कारण इनका व्यवहार सामान्य एल्किनों की भांति ही होता है, जैसे 1,4-पेंटाडाइईन, 1,5-हेक्साडाइईन। संचयी द्विबंध युक्त डाइईन का प्रथम सदस्य प्रोपाडाइईन है। संयुग्मित द्विबंध युक्त डाइईन का ब्यूटाडाइईन वे विलगित द्विबंध युक्त डाइईनों का प्रथम सदस्य पेंटाडाइईन है। अब हम बात करेंगे इनके नामकरण की। डाइईनों का नामकरण करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन परमाणु श्रृंखला चुन लेते हैं, फिर द्विबंधों के नजदीक से कार्बन परमाणुओं को नंबरिंग करते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले द्विबंधों की स्थिति वे नाम के अंत में सफिक्स डाइईन लगा दिया जाता है, जैसा कि ऊपर वाले उदाहरणों से स्पष्ट है। जब दो द्विबंध चक्रीय हाइड्रोकार्बन में होते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्काडाइन या चक्री डाइईन कहा जाता है। इनमें भी संयुग्मित साइक्लोएल्काडाइन अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे 1,3-साइक्लोपेंटाडाइईन, 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन। इन यौगिकों में श्रृंखला स्थिति तथा क्रियात्मक समावयवता पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता उन डाइईनों में पाई जाती है जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो, जैसे आइसोप्रीन वे 1,3-पेंटाडाइईन। ये परस्पर श्रृंखला समावयवी हैं। तीनों प्रकार के डाइईन परस्पर स्थिति समावयवी हैं, क्योंकि द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये एल्काइनों एवं साइक्लोएल्किनों के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करती है। अणुसूत्र C4H6 से निम्न समावयवी यौगिक निरूपित किए जा सकते हैं: 1-मेथिल-साइक्लोप्रोपीन, 3-मेथिल-साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन। और ये तीनों अणु ब्यूटाडाइन
ये ब्यूटाइन के दोनों समावयवों के साथ क्रियात्मक वे श्रृंखला दोनों प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं।